नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहुत हो चुका भ्रष्टाचार, अब नहीं सहेंगे अत्याचार। यह विचार व्यक्त करते हुए ऑटो चालक के प्रांतीय संरक्षक प्रभु नारायण पांडे प्रेमी जी व संगठन के लोगों ने 7 नवम्बर को कलेक्ट्रेट दफ्तर आजमगढ़ के बाहर धरना प्रदर्शन करके ADM प्रशासन को एक ज्ञापन देकर शहर के अंदर चलने वाले ऑटो चालकों के साथ पुलिस और होमगार्ड द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग किया है। ADM प्रशासन ने ज्ञापन लेने के बाद तुरंत SP ट्रैफिक से बात करके समस्याओं का निस्तारण करने के लिए ऑटो चालक संगठन को आश्वासन दिया। हमारा नाम कृपाशंकर पाठक, ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आज हम लोगों ने DM साहब को ज्ञापन दिया और ADM प्रशासन तथा SP ट्रैफिक तत्काल जो है इस मौके पर आए। इन्होंने वार्ता किया, मीटिंग किया, हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। हमारे सभी पदाधिकारियों ने भी आज घोषणा दी। हमारे यूनियन को प्रतिबंधित किया गया है, जो हम लोगों को इस पर कड़ी आपत्ति है। वर्तमान में आज पूरे आजमगढ़ जनपद में जबरदस्त उत्पीड़न हर जगह किया जा रहा है। ऑटो चालकों से अवैध पैसा, इतनी ई चलान की जा रही है, चाहे वो ऑटो रिक्शा हो, चाहे वो कोई और बड़ी गाड़ी जीप की गाड़ियाँ हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, मतलब कोई भी गाड़ी हो, इतना ई चलान कि मैं आपसे बताऊं, जो जानकारी प्राप्त हो रही, 5 से 6 करोड़ रुपए का इन लोगों ने चलान कर दिया। सड़कों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में गरीब आदमी ऑटो रिक्शा लेके आ रहा है और जो है जबरदस्ती। अब आप सोच लीजिए, रेलवे में 10 रुपये का चंदा वैलिड है उनका रेलवे का, वो 20 रुपये लेते घूम घूम करके पूरे क्षेत्र में। और आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे पहाड़पुर हो, नरवली हो, और चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, पवाली, वो कहीं भी हर जगह क्या चाहते हैं ट्रैफिक के लोग, अरे इतनी अवैध वसूली हो रही ऑटो चालकों से हर मौके पर। रुको भाई, नाश्ता करना है तो भी ऑटो रिक्शा वाले से पैसा लेना, बिस्कुट खरीदना है तो भी ऑटो रिक्शा वाले से पैसा लेना, अगर एक एक गिलास मौसमी का रस पीना हो भी ऑटो रिक्शा वाले से पैसा लेना, किसी को चाय पिलाना है, एक पत्रकार को चाय पिलाने के लिए एक पुलिसकर्मी बुलाया और इसके बाद एक ऑटो रिक्शा वाले से बुला कर पैसा दे, ये हालत है। ये उत्पीड़न है। हमारे यूनियन पर जो लगा हुआ प्रतिबंध है, सदस्यता का प्रतिबंध है, वो समाप्त करें। हम जैसे IAS के यूनियन है वो पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, PCS के यूनियन चंदा लेते हैं, कर्मचारी यूनियन चंदा लेते हैं, मजदूर यूनियन चंदा, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लोग चंदा लेकर चलाते हैं, तो फिर हमारे यूनियन पर क्यों प्रतिबंध है? इसलिए कि हम आवाज़ उठाते हैं तो आवाज़ उठने न पाए, आवाज़ को ही दबा दिया जाए, इसलिए सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र में बहुत खतरनाक बात है। हम इसकी लड़ाई अनवर जैसे भी लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे और निश्चित चले। रोल चले, अपना परिचय दें। रामनारायण पांडे प्रेमी, प्रांतीय संरक्षक, ऑटो रिक्शा चालक समिति। आज जिलाधिकारी महोदय क्या आए हैं, क्या है मामला? आज जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन देने आए थे ADM फाइनेंस और हमारे SP ट्रैफिक और हमारे पदाधिकारियों के, जवाहरशंकर पाठक, दीपेंद्र यादव कोषाध्यक्ष और शाहिद अहमद और विंध्याचल, तमाम लोग के पदाधिकारी के बीच में वार्ता हुई। वार्ता इस मुद्दे पर हुई है, यूँ तो बहुत से संघर्षों के बाद हमने उपलब्धियाँ की हैं, जो स्थिति में आज ऑटो रिक्शा चालक आया, ऑटो रिक्शा अपनी जीविका कायदे से सम्मानपूर्वक चला रहे हैं, फिर दो रहा, लेकिन काफ़ी संघर्ष करना। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें आ रही, इस समय उत्पीड़न बन गया है और बीच में कोतवाल साहब ने बुला करके कृपाशंकर पाठक को बैठा लिया था और उसमें हर संगठन जो है सदस्यता लेता है और चंदा लेता है, उसको बैन लगा दिया गया है। यह लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा अन्याय है, जुल्म क्यों रोका जा रहा है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हनन है, लोकतंत्र का हनन है। कोई संगठन बिना चंदा के सदस्यता के नहीं चलता। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला है, वार्ता किए हैं, फिर हुआ जो है आश्वासन पूरा तो नहीं दिए, वार्ता किए हैं, हम समझ रहे हैं, वह ट्रैफिक आप SP समझेंगे, फिर हम लोगों को वार्ता करेंगे, तब निर्णय लेंगे। जानते हैं कि गिरे हुए फूल को उठाता है कोई, कोई वादा तो सभी करते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार यादव है।
अच्छा अच्छा किस मांगों को लेकर आप लोग ज्ञापन दिए हैं पीछे? हम लोग मांग लेकर आए कि आए दिन ऑटो रिक्शा वालों की चलान हो रही है, गलत तरीके से चलान हो रही है, कहीं भी किसी भी समय चलान कर दे रहे हैं। कुछ जगहों पर अवैध असूली हो, वो ट्रैफिक के जो होमगार्ड है वो लोग भी करते हैं, जैसे बवाली मोड़ है वहाँ भी होती है, नरौली है, तो पूरे शहर में इस तरह से कुछ जो पॉइंट बनाया गया था, जो पॉइंट ऑटो के लिए बनाया गया था, यहाँ से रुकेंगे यहाँ से सवारी लेके चलेंगे, वो पॉइंट भी टूट गया, कोई पॉइंट नहीं है। दूसरी तरफ ऑटो रिक्शा की लड़ाई हम लोग हौसला प्रसाद जब डीएम थे 18 दिन धरना दिए हैं नगर पालिका के अवैध वसूली में, तमाम कावड़ों में या किसी ऑटो का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, इसका हम लोग थोड़ा सहयोग भी करते थे। आज वो पोजीशन है कि हमारे अध्यक्ष जी को कोतवाली में कुछ दिन पहले बढ़ा दिया गया था और हमारा रजिस्ट्रेशन भी देखा गया, इसके बाद पाठक जी को रात में छोड़े और अब तक वह जो है असूली हमारी है, जो संस्था है वो संदा संस्था दोनों नहीं हो पा रहा है। अवा पोजीशन है जिसे हमारे कार्यालय का किराया क्या चाहते हैं, बिल स्टेशनरी खर्चा क्या चाहते हैं आप लोग, पदाधिकारी दौड़ा चाहते हैं कि यह भी जो नियमानुसार है उसको हमारा ये जो है आदेश करें कि चंदा भी हमें संस्था भी बनावें, तब तो हमारा संस्था चलेगा। हम इसको लेकर के हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा वो होता है डीएम के ऊपर कंटा मारपोट किए, जब मीना शर्मा रही तब ये नगर पालिका की असूलियाँ बंद हुई, तब जो है जो बड़े बड़े ठेकेदार थे यहाँ के बाहुबली थे तब यहाँ से हटे वो, तो आज जो ये बंद है अगर हमारे पास चंदा नहीं आएगा तो पदाधिकारी दौड़ा कहाँ से होगा, खर्च वही होगा। अब तो ताबजारी या नगर पालिका वैरियर ठीका सारे बंद है, हम लोगों तो हमको अगर ये बंद कर दिया जाएगा तो हम ऑटो की लड़ाई कैसे। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।